हेलो दोस्तों, हमारे साइट स्किल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में अपन लोग सीखेंगे दोस्तों कैसे आप अपने एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्टली 3D मैप इंसर्ट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले अपना एक्सेल ओपन कीजिए। यहाँ से दोस्तों एक ब्लैंक शीट आप ओपन कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, ये आपके सामने ब्लैंक शीट ओपन हो गया है। दोस्तों, अब डायरेक्टली आप इस टैब में इंसर्ट टैब, ऊपर से इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3D मैप। इस 3D मैप पे आप क्लिक कीजिए, फिर ओपन 3D मैप पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 3D मैप आ गया है। 3D मैप ओपन हो गया है। 3D मैप पर दोस्तों आप चाहो तो यहाँ से प्ले कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, चाहे आप अपने इसको माउस के सहारे इस मैप को आप कैसे भी स्क्रॉल कर सकते हो दोस्तों, इधर उधर इसको सर्च कर सकते हो। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्टली बच्चों को शो करने के लिए 3D मैप ओपन कर सकते हो। दोस्तों, ये वाला वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारी साइट स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें।